सामाजिक न्याय विभाग के छात्रावासों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए समाज कल्याण विभाग ने सीबीआई ईडी शैली में छापेमारी की। जांच के आदेश से लेकर निरीक्षण प्रतिवेदन सौंपे जाने तक में सख्त गोपनीयता बरती गई। जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि छात्रावास की सुविधा का दुरुपयोग किया जा रहा था। नागपुर समेत राज्य के हॉस्टलों में भी इसी तरह की जांच चल रही है। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए राज्य भर में 441 सरकारी छात्रावास चलाए जा रहे हैं। यहां 57,000 छात्र रहते हैं। इसके साथ ही 2,500 अनुदानित छात्रावासों में आधा लाख विद्यार्थी तथा 90 विद्यालयों में 13,500 विद्यार्थी रहते हैं। समाज कल्याण विभाग को शिकायत मिली थी कि लाखों रुपए की कीमत पर सरकार द्वारा दी जा रही इस सुविधा का दुरुपयोग किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों ने अवकाश के दिन जिले के छात्रावासों का दौरा कर एक दिन में 55 छात्रावासों की जांच की। इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई। 26 अगस्त को व्हाट्सएप के जरिए संबंधित अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए थे। आदेश में पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखते हुए अगले ही दिन 27 अगस्त को छात्रावास में जाकर पूछताछ करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के बाद अधिकारियों को 29 अगस्त को गोपनीय तरीके से रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। हॉस्टल के हाउसकीपर्स ने सवाल उठाया कि शिकायतों की जांच के लिए सीबीआई ईडी का स्टाइल क्यों अपनाया गया। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।